सत श्री अकाल जी सारे नूं। अज मैं कुकिंग टिप शेयर करन जा रहा हां गोपी बहू वर्गी जनानिया दे नाल, जिन्हां दे अगे तां लैपटॉप ही वायरस अलर्ट देण तों डरदा है वी किते होली का विम बार दे नाल लैपटॉप ही ना मांज देवे। सो अज आपां आलू नूं धो के पील कर लिया है ते कुंडी जी दे नाल उहदे डेले कढ दवांगे। तो इन्हों के छिलकों को सुटन की लड़ नहीं, यह कैलरीज आप सीधी ढिड च पावे। उस तो पहले आप इन्हों फ्राई करके वधिया जे करारे चिप्स बना लवेंगे। बिकॉज इफ यू लव बिंग चबी यू नीड टू पुट ऑन सम चर्बी। जो तुम भी चाहते भी थोड़ी नेवल कॉटन फैक्ट्री बने तो यह रेसिपी जरूर ट्राई करो। इन खाने तो बाद भी बोली पा सकते भी आलू बड़े करारे धर्म आलू बड़े करारे। सो तुम भी अपने लैपटॉप की चुंडी बना के धुप च सुकने ना पाओ। तुसी बिना कोई वेस्टेज करते हो आलू के चिप्स बनाओ, उन्होंने चंगी तरह सीजन करो सॉल्ट दे नाल, नाल जे चाहो तो तुसी ओरिगैनो या फिर पासले भी पा सकते हो, तो नाल थोड़ी जी मिर्चा पा दियो ते अमचूर पा दियो ताकि वधिया चटपटा फ्लेवर आवे। दूसरी टिप मैं शेयर करन जा रहा लैफ्ट ओवर राइस दी, बिकॉज ये रात के बचे हुए चौल नहीं, ये थोड़े प्यार की अग्नि परीक्षा है। बिकॉज ये माड़े जे बचे हुए चौलों से तो सारे की निगाह रहती है। सो ये अंदर आप सीजनिंग मिक्स कर लवेंगे ते इन्हूं पराठे के अंदर स्टफ कर देवे ताकि ये तीन परौंठे बन सकन, पापा का मम्मी का और अजंता मेरा। ये परौंठे तुसी सवेर दी चाह दे नाल खाओ, नाले परौंठे ते बच्चे सिर्फ दो ही अच्छे। बिकॉज ज्यादा हो जान तो ढिड की गैस ते सिर दा दर्द भी बन सकते हैं। फिर ये उत्थे जाके शोर मचाउंदे जिथे कि तुहाडी सब तो ज्यादा बेइज्जती होवे। सो एक्स्ट्रा जवाक जम्मन नालों चंगा तुसी दही जमाओ ताकि तुसी परौंठिया नाल भी खा सको। सो जिवें कि तुसी देखिया मैं स्टफिंग करन तो पहला थोड़ा जिहा ऑयल ब्रश कर लिया ताकि स्टफिंग चंगी तरह स्लाइड करे अंदर, ते उस तो बाद इहनूं लॉक करके उत्ते थले नूं पुश करना ताकि कोई गंढ जी ना रहे। हुण बस आपां इहनूं रोल करके इहनूं सेक लवांगे चंगी तरह दोनों पासों। नाले अपनी शेरलॉक होम्स मदर्स करके तां हर साल टप्परवेयर नूं कई करोड़ां दा घाटा हुंदा है। बिकॉज ये हारपिक दे डब्बे नूं छड़ के कोई भी डब्बा छड्दियां नहीं, उहनां दे अंदर धो के कुछ ना कुछ पाई लैंदियां। टप्परवेयर वाले भी कहिंदे भी बचो, बस जिन्ना बच सकदे मामा तो बचो। सुपर मॉम्स तां हर एक बची हुई सब्जी दा परौंठा बना दिंदियां। इह तां बचे हुए साबणां दी भाण नूं इकट्ठा करके गुन्न दिंदियां ते इक नया हैंड वॉश तैयार कर दिंदियां। इह हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लैंदियां पर नौलखे साबुण च बिल्कुल भी नहीं, भावें 555 या रिन वाले कोई भी स्कीमा कढ़दे रहन। सो लेट सैल्यूट मॉम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग सुखी प्यार दी भुखी।